चमेंडिया और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आपको बता दें कि चेन्नई में खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने विशाल अंतर से मैच अपने नाम कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में 227 रनों से हराने के बाद इंग्लैंड अब दूसरे मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि इंग्लैंड की टीम यहां मेजबान की तुलना में हर क्षेत्र में बेहतर दिखी। वहीं विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने हर जगह निराश किया। अब दोनों ही टीमों को सीरीज का दूसरा मुकाबला भी चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में ही खेलना है और इस बार भी परिस्थितियां लगभग वैसी ही होंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय टीम को यहां किन कमजोरियों को दूर करना होगा। तो पहली यहां पर भारतीय टीम की कमजोरी दिखती है, वो है रोहित शर्मा का खराब फॉर्म। जी हाँ, बता दें कि टीम इंडिया के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से अपने फॉर्म को लेकर जूझ रहे हैं। वो टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रहते हैं, ऐसे में मध्य क्रम पर अधिक दबाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और फिर चेन्नई टेस्ट में भी फेल रहे। ऐसे में आपको बता दें कि टीम को उनसे एक मजबूत शुरुआत और बड़ी पारी की उम्मीद होती है, जो रोहित शर्मा इस बार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी कमजोरी टीम इंडिया की यहां पर दिखती है, वो है रहाणे का संघर्ष। बता दें कि टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न टेस्ट के दौरान शतकीय पारी खेली थी, लेकिन इसके बाद उनका बल्ला खामोश हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दोनों पारियों में कुल मिलाकर एक रन बनाया। टीम को अगर बड़ा स्कोर करना है तो मिडल ऑर्डर में रहाणे जैसे मुख्य खिलाड़ी का रन बनाना बेहद जरूरी होगा। वहीं तीसरी कमजोरी टीम इंडिया की यहां पर दिखती है, वो है प्लेइंग 11 का चयन। बता दें कि भारतीय टीम के पास इस वक्त खिलाड़ियों के कई सारे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में टीम इंडिया को अंतिम एकादश में अपने अनुभवी और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को आजमाना होगा। ईशांत शर्मा चोट से वापसी करने के बाद लय में नजर नहीं आ रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद वो पहले टेस्ट में भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जबकि दूसरी ओर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त गेंदबाजी की थी। ऐसे में टीम को सिराज के फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए। वहीं शाहबाज नदीम के रूप में किया गया प्रयोग भी सफल नहीं हुआ और वो टीम इंडिया के लिए भारी पड़े और खूब रन भी लुटाए, जबकि टीम के पास कुलदीप यादव जैसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी मौजूद है। वहीं चौथी कमजोरी टीम इंडिया की यहां पर दिखती है, वो है कप्तान की छोटी पारी। बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पिछले एक साल से शतक नहीं लगा पाए हैं। वो अर्धशतक तो लगा रहे हैं, लेकिन उसे शतक में बदलने में फेल हो रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया को अगर बड़ा स्कोर करना है तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को एक बड़ी पारी खेलनी बेहद जरूरी होगी। वहीं टीम इंडिया की यहां पर पांचवी और बेहद खास कमजोरी जो दिखती है, वो है DRS का सही इस्तेमाल और नई गेंद का सही इस्तेमाल। बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली नई गेंद का सही इस्तेमाल करने में फेल हो रहे हैं। जो रूट की तुलना में उनकी रणनीति भी कमजोर साबित हो रही है। बता दें कि विराट कोहली DRS लेने में भी जल्दबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में उन्हें इसके इस्तेमाल के लिए बहुत ही सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। तो देखा आपने, ये थी टीम इंडिया की वो पांच कमजोरियां जिनको टीम इंडिया को अगर दूसरे मैच में वापसी करनी है तो इन पर उन्हें जरूर काम करना होगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा दूसरा टेस्ट मैच जो 13 फरवरी से शुरू होने वाला है, क्या उसमें टीम इंडिया अपनी इन कमजोरियों पे काम करती है कि नहीं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।